मनिका नागोते फ्रॉम पीएमसी स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़। आज हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम को जो हमने क्लास अर्लियर क्लासेस में ही पढ़ लिया है उसे एक बहुत इनोवेटिव और ह्यूमेरिक स्पेस हम लोग यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। हम सभी को पता है, हम सभी ने पढ़ा है कि पाइथागोरस में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी को जो सी स्क्वायर होता है। अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, जैसे कि ये साइड ए है तो उस साइड से अगर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करें तो उसका एरिया होगा ए स्क्वायर। साइड बी से अगर हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो उसका एरिया होगा बी स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना है कि क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइड सी का जो स्क्वायर बनेगा उसका उसके इक्वल होगा इन दोनों का एरिया। तो देखते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये छोटे स्क्वायर का एरिया और इसके इस एरिया को जब हमने प्लस किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हमारे सामने आया। इसी तरह से हमने प्रूव किया है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। थैंक यू।